और दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा को महापंचायत की इजाजत दे दी है। एसकेएम का दावा है कि इस महापंचायत में बड़ी संख्या में देश भर से किसान जुटने वाले हैं और किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं बल्कि बसों और ट्रेनों के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों की महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। रामलीला मैदान के आसपास की सभी सड़कों पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है ताकि किसान रामलीला मैदान से आगे न जा सके। तो किसान महापंचायत आज होने जा रही है जिसकी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर उस दिन क्या कुछ हुआ वो आप सबने देखा, जिसके बाद में किसानों को इजाजत दे दी गई कि आप रामलीला मैदान जा सकते हैं लेकिन रामलीला मैदान से आगे नहीं बढ़ सकते, जिसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली बैन है, क्योंकि क्या हुआ था पहले भी जब ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर दाखिल हुआ तो आप सबने देखा था, ट्रैक्टर ट्रॉली बैन किया गया और ये ट्रैफिक के चलते भी हो सकता है। फोर्स को तैनात कर दिया गया, अगर स्थिति बिगड़ेगी तो इतनी फोर्स लगाई गई है कि उसको काबू में किया जा सके। और दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर भी है किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए, दिल्ली में आमतौर पर भी जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें जाम लगता है और अगर इस तरीके की सिचुएशन रहेगी तो जाम और लग सकता है, तो आप अपने समय अनुसार पहुंचने के लिए अपना समय देखकर निकलिए। किसानों की महापंचायत में 5000 से ज्यादा किसानों के इकट्ठा होने की संभावना जाहिर की गई है और राजधानी की सड़कों पर हैवी जैम भी लग सकता है। और इसके पहले ही पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में सूचना दे दी है। ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ते प्रभावित हो सकते हैं जिनमें जवाहरलाल नेहरू मार्ग होगा, था बहादुर शाह जफर मार्ग होगा, आसिफ अली रोड हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, मिंटो रोड, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर, चमनलाल मार्ग, बाराखंबा रोड, टॉल्स्टॉय मार्ग, जयसिंह रोड, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, अशोक रोड, कनॉट प्लेस सर्कल, डीडीयू मार्ग, इन रास्तों पर डायवर्जन होगा। वो आपको दिखाते हैं, अजमेरी गेट चौक पर डायवर्जन आपको मिलेगा, गुरु नानक चौक पर आपको डायवर्ट होना पड़ेगा, कमला मार्केट अगर आप जा रहे हैं वहां पर भी आपको डायवर्ट होना पड़ेगा, पहाड़गंज चौक के पास भी डायवर्जन कर दिया गया है, झंडे वाला ना बाराखंबा रोड पर भी डायवर्जन है, जनपथ रोड पर भी डायवर्जन जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि सीपी का जो एरिया है वो भी प्रभावित हो सकता है, केजी मार्ग क्रॉसिंग ये भी डाइवर्ट कर दिया गया है। हम आपकी सुगमता के लिए ये डायवर्जन आपको बता रहे हैं। अगर आप टीवी अभी देख रहे हैं तो आप अगर इन रास्तों पर जा रहे हैं तो समझिए यहाँ डायवर्जन होने वाला है, अपना ऑल्टरनेट रास्ता भी पकड़ लीजिए। देश के कई शहरों में सोना तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। गुवाहाटी, बारपेटा, दरभंगा, गोरखपुर, अररिया में डीआरआई की छापेमारी हुई और सोने की तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया। 61 किलो सोना समेत 19 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। 13 लाख रुपए कैश भी मिला है। 12 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, देश के कई शहर जो कि सोना तस्करी की चपेट में है, गोरखपुर, अररिया, डीआरआई की छापेमारी देखिए पड़ी है तो लाखों का कैश बरामद हुआ। सोने के ये बिस्किट आप देख पा रहे हैं, ये बरामद हुए इनके पास से। 12 लोग हिरासत में ले लिए गए। तो देश के कई शहरों में सोना तस्करी का पर्दाफाश हुआ जो हमने आपको दिखाया है। इसके आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने साइबर ठग आशीष कक्कड़ को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आशीष कक्कड़ को 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। आरोप है कि आशीष कक्कड़ विदेशों से चलने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनी और वेबसाइट को भारत में ऑपरेट कर रहा था। रेड के दौरान आशीष कक्कड़ के ग्रेटर कैलाश और अन्य ठिकानों से 8 किलोग्राम सोने के बिस्किट, 75 लाख रुपए कैश, ज्वेलरी और लग्जरी कारें इससे बरामद हुई हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, वहां टीएमसी और बीजेपी में झड़प हुई है। जादवपुर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है और बीजेपी उम्मीदवार अनिबान गांगुली के प्रचार के दौरान झड़प हुई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जादवपुर की सीट बंगाल की और यहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। सीबीआई ने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को पूछताछ के लिए बुला लिया है। संदेश पाली में ईडी अफसरों पर हमला करने के मामले में शाहजहां शेख के कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख सीबीआई की हिरासत में है और भाई आलमगीर को बुलाया गया है पूछताछ के लिए।
शाहजहां शेख पहले ही सीबीआई की कस्टडी में है और पूछताछ चल रही है, लेकिन इन सबके बीच में उसके भाई आलमगीर को भी बुलाया गया है, क्योंकि ये पूरा नेक्सस ये अकेले नहीं चल रहा था, इसके रिश्तेदार, इसका भाई, कई लोग उसमें शामिल थे, इसीलिए पूछताछ करना लाजमी है। आज की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बैठक जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई है, चुनाव आयोग ने दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है और यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें पीएम मोदी के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी शामिल हो रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला हो सकता है और माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद आज शाम तक अधिसूचना भी जारी हो सकती है। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद से ये दोनों पद खाली हैं और आज संभवतः ये दोनों पद भर जाएं, जिसके बाद जल्द ही जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है वो कर दिया जाए। आपने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देखा जिसमें 9 राज्यों की सीटों का अंकगणित आपको दिखाते हैं, लेकिन जिस केमिस्ट्री से 24 के नतीजे तय होने हैं वो क्या है, कौन है सबसे लोकप्रिय लीडर, किस मुद्दे पर जनता ने वोट देने का मन बना लिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी यानी गारंटी, पूरा होने की गारंटी। हम आप मिलकर जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। अस्सी हराओ हर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो और लोकतंत्र बचाओ। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। ये राजनीति है, सबकी अपनी रणनीति है, सभी के जीत के दावे हैं, देश का भविष्य उज्जवल बनाने के नारे हैं, लेकिन जब बात चुनाव की हो तो बात सबके पसंद की हो, भरोसे की हो, पूरे देश के मूड को जानने की हो, तो जनता के जहन में सवालों की सुनामी उठती है। कि नारों में कितना दम है, इन वादों पर कितना यकीन किया।